खबरें विस्तार से। हमीरपुर नगर के बड़ो स्थित बहुतकनीकी कॉलेज में रैगिंग का एक मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। कॉलेज में इस तरह रैगिंग का मामला सामने आने पर कॉलेज के दूसरे छात्र भी सहमे हुए हैं। तृतीय सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र द्वारा नशे में टल्ली होकर प्रथम वर्ष के छात्रों की पिटाई के साथ पैसे भी मांगे जाते रहे हैं। हमीरपुर नगर के बड़ो स्थित बहुतकनीकी कॉलेज में रैगिंग का एक मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने एंटी रैगिंग एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली है। कॉलेज में इस तरह रैगिंग का मामला सामने आने पर कॉलेज के दूसरे छात्र भी सहमे हुए हैं। तृतीय सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र द्वारा नशे में टल्ली होकर प्रथम वर्ष के छात्र की पिटाई के साथ पैसे भी मांगे जाते रहे हैं। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज बड़ू में पिछले कई दिनों से रैगिंग हो रही है, लेकिन कॉलेज प्रशासन के मूक दर्शक बने हुए होने से मायूस छात्रों को सीनियर की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। हालांकि रैगिंग के मामले में निजी PG में रह रहे प्रथम सेमेस्टर के छात्र ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष के छात्र पर रैगिंग करने की बात कही है। सीनियर छात्रों के द्वारा नशे में धुत होकर पिटाई करने के साथ पैसे मांगे जाते रहे हैं और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चला हुआ था। फिलहाल अभी तक एक ही छात्र की शिकायत पर कार्रवाई हुई है, लेकिन पुलिस के द्वारा पड़ताल की जा रही है कि बाकी छात्रों के साथ भी ऐसा हो रहा था कि नहीं। वहीं इस मामले पर SP हमीरपुर अरिजीत सिंह का कहना है कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज में तृतीय सेमेस्टर के छात्र द्वारा प्रथम सेमेस्टर के छात्र की रैगिंग मामले में एंटी रैगिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार प्रिंसिपल बहुतकनीकी कॉलेज से पुलिस स्टेशन सदर में एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि रैगिंग अनुशासन समिति के सामने कॉलेज के परिसर के बाहर हुई एक रैगिंग की घटना का मामला सामने आया है। ये घटना एक निजी पेइंग गेस्ट रूम में हुई है। आरोपी सुंदरनगर क्षेत्र का है तथा इसी पेइंग गेस्ट रूम में रहता है। इस घटना में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के साथ एक छात्र ने पहले सेमेस्टर के छात्रों की रैगिंग ली है। आरोपी इस गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए बाहर से भी अपने साथियों को बुला लेता था। पीड़ित छात्रों ने सबसे पहले इसकी सूचना अपने अभिभावकों को दी। अभिभावकों की शिकायत पर कॉलेज एंटी रैगिंग समिति ने कड़ा एक्शन लिया। समिति की सिफारिश के बाद आरोपी छात्र के खिलाफ पुलिस थाना में कार्रवाई करने का आवेदन प्राप्त हुआ। इस बारे में DSP हितेश लखनपाल ने बताया कि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। मामले में जांच जारी है। तारीख को एक FIR रजिस्टर हुई है थाना सदर में, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 2009 की सेक्शन के अंतर्गत रजिस्टर की गई है। ये इसमें कंप्लेनेंट दिनेश शर्मा जी थे, जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बड़ू के। उनका कहना है कि एक एंटी रैगिंग कमेटी ने जब इंक्वायरी की एक मामले में, तो उन्होंने ये पाया कि एक फर्स्ट सेमेस्टर के एक छात्र की रैगिंग की गई है एक थर्ड सेमेस्टर के छात्र द्वारा, जो कि एक PG में हुई है जो बड़ू में ही स्थित है। इस पर आगे इंक्वायरी थाना सदर के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के माध्यम से की जा रही है।